कैसे हो आप सब? चलिए, जैसे कि फंक्शंस के हम टाइप्स कर रहे थे, तो जैसे हमने पिछली बार किया था टॉपिक की फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप दोबारा उस ट्यूटोरियल को कर लीजिएगा। बिल्कुल, इस ट्यूटोरियल से पहले इसका लिंक है। आज हम करेंगे फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न टाइप वैल्यूज। तो इसमें मैंने बता रहा हूँ कि पहले की जैसे कंसेप्ट ही बता रहा है कि इसके अंदर आर्गुमेंट तो कुछ नहीं होगा, मगर हाँ एक रिटर्न वैल्यू टाइप होगा। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, देखिए। एक मैंने बॉडी बनाई है या डिक्लेयर किया है, सपोज बॉडी नहीं, डिक्लेयर ही कहूँगा फंक्शन को, कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को वो रिटर्न कर रहा है, मतलब वैल्यू आएगी उसके पास। और एक मैसेज सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने वॉइड लिख दिया, मतलब कुछ नहीं, या खाली भी छोड़ दिया तब भी ये वॉइड ही होता है। मैंने स्पेशली लिखा है वॉइड है, तो ये फंक्शन की मैंने एक डिक्लेयर कर दिया है। अब घुसेंगे मेन फंक्शन के अंदर, जो हमारा होता है मेन फंक्शन। मैंने लिखा वॉइड मेन, जो कि वॉइड भी देखिए सेम, इसका भी सिंटेक्स वही होता है कि रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर गए तो वहां पे उसे क्या मिला, इंटीजर एस, मतलब एक डेटा टाइप है इंटीजर, उसका मैंने वेरिएबल ले लिया एस। अब यहाँ पे इक्वल टू लिख के मैंने क्या किया, एम एस जी सम, मतलब फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन मतलब अब इस पूरी की पूरी लाइन से आप समझिए क्या, मैं पहले ये चीज भी क्लियर कर दूं कि जो भी वैल्यू एम एस जी सम फंक्शन रिटर्न करेगा वो किसके पास चली जाएगी, एस के पास चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही अब इसको एम एस जी सम मिला, यहां से कंट्रोल उठ के कहाँ गया दोस्तों, वो एम एस जी सम की जहां बॉडी है वहां चला गया। अब देखिए बॉडी के पास ये आया, यहाँ इसकी बॉडी है देखिए एरी। ठीक है, तो यहाँ आके क्या होगा कि आई एन टी एम एस जी सम सेम उसी वे में लिखा होगा, और कुछ पास नहीं हुआ है तो वाइट लिखा होगा। अब इसकी बॉडी में क्या है, यहाँ पे मैंने देखिए तीन वेरिएबल ये इंटीजर ए बी और सम। उसके बाद मैंने इसको टर्मिनेट किया, और फिर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू थ्री, मैंने वैल्यू दी ए को थ्री। उसके बाद मैंने बी को वैल्यू दी फाइव, और फिर मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी को मतलब आपस में प्लस करे, एडअप करे, और जो वैल्यू बनती है वो जाके किसमें स्टोर करा दे, सम के अंदर। तो थ्री और फाइव क्या हो गया हमारा, एट। अब हमें देखिए फंक्शन को रिटर्न कराना है, तो हमने क्या किया, रिटर्न करे सम, तो सम वैल्यू जो है वो रिटर्न हो गई एमएसजी के पास। और जो कंट्रोल है यहां से उठ के कहाँ चला गया, फिर से आई एन टी एस इज इक्वल टू एमएसजी सम के पास चला गया। मतलब अब क्या होगा कि एस इज इक्वल टू क्या हो गया, सम, सम क्या हमारा दोस्तों, आठ। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो जो हमारी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा वो है हमारी प्रिंट एफ डबल कोट्स में सम इज एम्परसेंट डी। एम्परसेंट डी मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू डालनी है जो भी सीक्वेंस में आएगी, वो क्या दोस्तों, वो है एस। अब एस क्या मिला, अब उसे आठ, आठ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो सम इज आठ, आठ प्रिंट हो जाएगा। देखिए आउटपुट में डाला हुआ है मैंने कि आउटपुट क्या है, सम इज आठ। तो आपने आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ऐसा फंक्शन जिसकी कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं होते बट उसकी एक रिटर्न वैल्यू है, वो कैसे परफॉर्म होगा, वो इस तरीके से परफॉर्म होते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे तो सिंपली आप समझ भी जाएंगे कि ये चीज़ कैसे परफॉर्म हो रही है, कि व्हेन एस इज इक्वल टू सम मैसेज सम तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी पीछे से वो एस के पास चली जाएगी। तो पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी वे में लिखा गया है। तो और एक चीज़ मैंने देखी, स्टार डबल स्टार डाल के क्या होगा कि ऑर्डर नंबर एंड टाइप ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल शुड बी मैच्ड विद द ऑर्डर नंबर एंड टाइप ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन डेफिनेशन। देखिए फॉर्मल और फंक्शन जो हमारी जो एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं उसका कंसेप्ट तो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि क्या होते हैं, बट ये लगा लीजिए कि मैच होना चाहिए, कि अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो उतनी ही वैल्यू पास होनी चाहिए, उतने ही उसी ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले अगर आप पास कर रहे हैं इंटीजर, नेक्स्ट आप पास कर रहे हैं करेक्टर, तो नेक्स्ट जब आप कॉल करवाओगे, फंक्शन कॉल करवाओगे जहाँ पे इसकी बॉडी बनी है वहाँ पे भी सेम वैसा ही होना चाहिए, पहले इंटीजर फिर करेक्टर, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और जितने हमने वैल्यू पास कराने हैं उतनी ही होनी चाहिए। तो आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों इतना ही है, तो तब तक के लिए बाय और टेक केयर।